हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। और इसी नाम से यही चैप्टर आप क्लास 6th में भी पढ़ चुके हैं, फाइबर टू फैब्रिक। और उसमें हमने सीखा था कि फैब्रिक जो है वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में भी ये एनिमल और प्लांट से मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो फाइबर्स की बात करनी है उसमें एनिमल फाइबर्स की बात करनी है। एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं वो कौन कौन से हैं और उससे कैसे फैब्रिक बनता है, यानी कि कपड़ा बनता है, वही हमने देखना है। तो एनिमल फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ दो टाइप के हैं। फर्स्ट है वूल, जो हमें जो है फ्लीस, एनिमल के फ्लीस या एनिमल के हेयर से मिलती है, उसमें शीप, याक, गोट वगैरह आते हैं। और दूसरा हमारे पास जो फाइबर है वो है सिल्क फाइबर, जो हमें सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, रेशम का कीड़ा, उससे रेशम मिलता है। तो इन दो की बात करनी है, उससे हमारा रेशम जो है और ये ऊन जो है वूल, ये कैसे हमें मिलती है और उससे हम कैसे फैब्रिक तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वूल की। वूल जो है वो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, हेयर या फ्लीस भी कहते हैं उसे, उससे मिलते हैं। उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक ये शीप दिया हुआ है, शीप से मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाएं तो याक है, कैमल है, ये कैमल दिखाया है यहाँ पर। उसके बाद गोट्स हैं, ये अलग अलग वैरायटी की गोट्स दिखाई हैं। उसके बाद अमेरिका में ये पाए जाते हैं कुछ एनिमल्स, लामा और एल्पेका, ये भी ऊंट की, कैमल की ही स्पीशीज़ होती हैं। तो इनके बालों से भी हमें वूल मिलती है। तो इनके बालों को निकालकर उस वूल का यूज़ किया जाता है। तो वही यहाँ पर है, ये सारा का सारा आपने पढ़ना है, कैसे इनको पाला जाता है, रियरिंग यानी कि पालन और ब्रीडिंग प्रजनन। तो यहाँ पर कुछ इंडिया के दिए हुए हैं किस किस जगह पर ये जो है शीप पाली जाती हैं, और इनकी जो अलग अलग ब्रीड है, वैरायटी है शीप की, उनके नाम दिए हुए हैं कुछ, ये कहाँ कहाँ पाली जाती हैं वो दिया है, और इनकी वूल की क्वालिटी कैसी है वो यहाँ पर दी हुई है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद मेन यहाँ पर है कि फाइबर्स से वूल कैसे मिलती है, तो इनके फाइबर जो हैं उनसे वूल कैसे बनती है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो टोटल ये 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है कि उस फ्लीस को उतारा जाता है, कट किया जाता है। तो द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है, फर्स्ट स्टेप वो है शियरिंग। शियरिंग का मतलब है उसके बाल काटना, जो शीप है उसके बालों को काटना। तो यहाँ पर ये इसका एक डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसके बाल उतारे जाते हैं, और इन बालों को काटने का जो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप जो है ये, इसे हम शियरिंग कहते हैं, शियरिंग। तो फर्स्ट स्टेप ये आ गया शियरिंग। सेकंड स्टेप में चलें, सेकंड स्टेप है स्टेप 2, स्कोरिंग कहते हैं इसे। स्कोरिंग क्या है, इसको आप धोना कह सकते हैं, वॉशिंग कह सकते हैं। शियर्ड स्किन और हेयर जो आया आपके पास, उसको वॉश किया जाता है टैंक्स में, ताकि उसमें जो भी डस्ट डर्ट है वो निकल जाए। आजकल ये मशीन से भी होती है, इसका भी डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, ये बी जो है पार्ट, इसमें दिखाया है ये स्कोरिंग। स्टेप 3 है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यानी कि छांटना। तो वो जो आपने फाइबर्स लिए हैं उनको छांटा जाता है, सॉर्ट किया जाता है, उसमें से जो उसको फैक्ट्री में भेजते हैं, और उसके बाद फिर अलग अलग टाइप के जो उसमें टेक्सचर वाले हैं उसके फाइबर्स, उनको अलग किया जाता है, जो बारीक हैं उनको अलग किया जाता है, जो मोटे हैं उनको अलग कर दिया जाता है, ताकि अलग अलग टाइप की वूल हमें मिल पाए। तो ये स्टेप 3 था। स्टेप 4 आता है इसके बाद। स्टेप 4 जो है, इसमें जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं उन्हें हम बर्स कहते हैं, वो अलग किए जाते हैं। ये बर्स वही हैं जो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं, उसमें जो रेशे निकल आते हैं, बूर भी कह देते हैं हिंदी में, उसे हम बर कहते हैं। तो वो बर जो है वो अलग किया जाता है स्टेप 4 में। उसके बाद स्टेप 5 है, इसमें उनको कलरिंग की जाती है, डाई। तो ये जो कलरिंग करने का प्रोसेस है, इसे हम डाइंग कहते हैं, डाई करना।
क्योंकि जो भी गोट हैं, शीप हैं, इनके जो फाइबर्स मिलते हैं इनसे, उनके बाल का कलर ज्यादातर ब्लैक, ब्राउन या वाइट ही होता है। लेकिन हमें अलग अलग कलर की वूल चाहिए होती है, अलग अलग कलर की स्वेटर बनाने के लिए, इसलिए ये टाइंग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, रोलिंग। इसमें जो फाइबर्स हमारे पास आए उनको स्ट्रेटन किया जाता है, फिर कॉमिंग की जाती है और उसके बाद उसको रोल कर दिया जाता है। तो रोलिंग से हमारे पास वो यार्न आ जाता है, धागा आ जाता है उनका, और उसकी वेविंग करके या नीटिंग करके वुलन क्लॉथ्स बनते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है, और यही पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर, ये पिक्चर्स जो है इसमें भी दिखाया है थोड़ा सा। ये शियरिंग दिखाई है यहाँ पर, ये स्कोरिंग, उसके बाद यहाँ पर ये स्कोरिंग बाय मशीन्स दिखाई है, मशीन में कैसे होती है वॉशिंग, और उसके बाद यहाँ रोलिंग दिखाई है। पूरे के पूरा जो प्रोसेस है हमारा वो यहाँ पर ये इस फ्लो चार्ट में भी दिख रहा है। सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारे पास शियरिंग, शियरिंग में हमने ऊन को काटा भेड़ के ऊपर से, उसके बाद स्कोरिंग जिसमें वॉशिंग किया हमने, सॉर्टिंग उसमें हमने फाइबर्स अलग अलग किए अलग अलग टाइप के, फिर उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बर्स, जो बारीक फाइबर्स होते हैं जिससे बूर आती है कपड़ों पर, उसको क्लीन किया, उसके बाद डाइंग, कलरिंग किया आपने, और उसके बाद फिर रोलिंग। तो इस तरह से ये पूरा स्टेप चलते हैं सारे के सारे, और उससे हमारे पास ये ऊन मिलती है और उससे फैब्रिक बनता है। अब नेक्स्ट जो है वो है सिल्क। तो सिल्क जो है, हमने बात की थी सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ्स होते हैं उनसे बनता है। सिल्क वॉर्म्स को पालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। जो लोग सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं हम बोलते हैं कि वो सेरीकल्चर कर रहे हैं। तो सेरीकल्चर है सिल्क वॉर्म्स को पालना, ये वर्ड आपने याद रखना है। तो सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे मिलता है, उसके लिए हम सबसे पहले लाइफ साइकिल देखते हैं सिल्क वॉर्म की। ये सिल्क वॉर्म का यहाँ लाइफ साइकिल दिखाया है, ये मेल सिल्क वॉर्म और ये फीमेल दिखाई है। तो ये कुछ कुछ मॉथ जो होते हैं, पतंगे या तितलियाँ, उस तरह का दिखता है। इनकी लाइफ साइकिल भी सेम वैसी होती है जैसे बटरफ्लाइज की होती है। तो सबसे पहले ये जो है, ये कॉमनली मरबरी ट्रीज होते हैं, शहतूत के पेड़, उनकी पत्तियों पर ये अंडे देते हैं और उसी पर पाला जाता है, शहतूत के पेड़ पर। तो ये शहतूत की पत्ती दिखाई है, इस पर एग्स दिखाए हैं। इन एग्स से सिल्क वॉर्म निकलता है, लार्वा होता है शुरू में, और उससे फिर सिल्क वॉर्म बनता है इस तरह का, उसे कैटरपिलर भी कहते हैं। ये कैटरपिलर जो है धीरे धीरे बढ़ता है, पत्तियों को खाता है, और उसके बाद फिर ये कोकून में चला जाता है, इस तरह का कोकून बनाता है, उसके अंदर बंद हो जाता है, वहीं पर ये डेवलप होता है। और ये जो कोकून है इसी में, ये जो बाहर रेशे होते हैं फाइबर्स, इसी से सिल्क फाइबर मिलता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। अब देखते हैं हम कि वो फाइबर मिलता कैसे है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसकी लाइफ साइकिल दिखाई है, आप पढ़ सकते हैं, अभी जो मैंने समझाया वही है इसमें सारा। अब आया यहाँ पर ये कोकून से सिल्क कैसे मिलता है। तो सबसे पहला तो वही है कि रियरिंग करनी पड़ेगी, पालना पड़ेगा इनको, तो सेरिकल्चर किया जाता है, उसके लिए एग्स खरीदे जाते हैं इसके। तो एक बारी में ये फीमेल सिल्क मॉथ जो होता है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, हजार सैकड़ों एग्स देती है, और उन सैकड़ों एग्स को फिर क्लॉथ या पेपर में बेचा जाता है। वो उसको खरीदते हैं फार्मर्स और उसको पालते हैं शहतूत के पेड़ में, मरबरी ट्री बोलते हैं उसको, और उसमें ये जो एग्स हैं उनसे लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहलाता है। वो लार्वा जो है 20-25 दिन तक सिर्फ पत्तियां खाते जाते हैं। तो उनको जो है ट्रेज में रखा जाता है, बैम्बू ट्रेज में, बांस की बनी हुई ट्रेज में रखते हैं, और उसमें जो है यही शहतूत की पत्तियां रखते हैं। 25-30 दिन तक वो खाते रहते हैं, उसके बाद वो खाना छोड़ देते हैं और अपने लिए एक चैम्बर बना लेते हैं बैम्बू ट्रे के ऊपर ही, जिसे हम कोकून कहते हैं। उस कोकून के अंदर वो डेवलप होते हैं, बाहर से वो उस कोकून को कवर करते हैं अपने सिल्क से, सिल्क वॉर्म इसीलिए नाम है क्योंकि उससे सिल्क फाइबर निकलता है। तो वो जो कोकून है उनको इकट्ठा किया जाता है, और उन कोकून्स को हम सनलाइट में, धूप में, या बॉईल करके या स्टीम से उसको गर्म करते हैं, और उससे जो फाइबर्स हैं ये अलग हो जाते हैं। उन फाइबर्स को लिया जाता है और उसकी रीलिंग की जाती है, फिर रीलिंग करने से हमारे पास यार्न या धागा आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास सिल्क यार्न आ गया, सिल्क का धागा आ गया, सिल्क थ्रेड भी बोल सकते हैं उसको, और उससे फिर वीविंग करके क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है।
यहाँ पर दो ही चीज़ें थी, वूल, वूल कैसे बनती है, उससे फिर कपड़ा कैसे बनता है, और दूसरा सिल्क, सिल्क कहाँ से आता है और सिल्क से कपड़ा कैसे बनता है। आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर, ये थोड़ी सी समरी दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप रफ में करने की कोशिश करें, और जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तब इसको फेयर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।